और एनआईए आज अमरावती और उदयपुर के आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी, क्योंकि दोनों जगहों पर एक ही मंशा से वारदात को अंजाम दिया गया था। अब एनआईए दोनों का कनेक्शन पता लगाने में जुटेगी। अमरावती में उमेश कोहली हत्याकांड और उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर एनआईए को अहम सुराग हासिल हुए हैं, जिसके बाद एनआईए दोनों हत्याकांड के आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अमरावती हत्याकांड के आरोपी इरफान शेख, अब्दुल तौफीक और आतिब राशिद को लेकर जयपुर पहुंची है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद से उदयपुर और अमरावती हत्याकांड में कोई लिंक तो नहीं है, इसके बारे में पूछताछ कर सकती है पुलिस। बहरहाल राजस्थान के उदयपुर में 28 जून को कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद और फरहाद शेख को रिमांड के बाद शनिवार को जेल भेज दिया गया है। एनआईए ने अभियुक्तों से लंबी पूछताछ की है। सातों अभियुक्त अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। इधर 21 जून को 54 साल के केमिस्ट उमेश प्रहलाद कोले की 21 जून को हत्या कर दी गई थी और इस सिलसिले में भी अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।